नून लीग ने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। मुआशी बहराम की असल वजह नवाज शरीफ और जरदारी थे। पनामा केस में सफाई देने का कई बार मौका दिया गया, पनामा वाले कोई सबूत पेश नहीं कर सके। सेनेटर फैसल जावेद ऑपोजिशन पर सीखपा, बोले सियासी इंतकाम वो है जो इमरान खान के साथ किया गया। उनसे बचपन में ईदी की तफसीलात भी मांगी गई। एक बार फिर सब अच्छा है का राग भी अलापा, कहा अब पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है, असरात जल्द अवाम तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में माइक्रोस्कोप लगाकर उनका ऑडिट किया गया, बचपन में जो ईदियां मिलती थी उनका भी पूछा कि ये कैसे मिलती थी, उसकी रसीदें दिखाए। दूसरी तरफ जो पैनामा वाले हैं वो कोई चीज नहीं दे सके, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, उनको मौके जितने मिले, कौम से खिताब कोई सफाई नहीं दे सके, पार्लियामेंट में आए कोई सफाई नहीं दे सके। बातें करते हैं इमरान खान के बारे में और बात करते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की ये तारीफ है जो आपने इमरान खान के साथ किया था। इन्होंने मुल्क को लूटा है, इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज बनाई है, अरबों रुपए की जायदादें बनाई है और उसपे वो दिखा नहीं सके कोई चीज, मनी ट्रेल दिखाना था नहीं दिखा सके। 10 साल के थे चार्टर ऑफ करप्शन वाले, उसकी वजह से आज महंगाई है और ये मुश्किल टाइम आना था और अब इंशाल्लाह जो हमारी गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं अब आम आदमी तक उसके असरात जाना शुरू होंगे। ये मुश्किल टाइम क्यों आया, ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की वजह से, यानी कि पीपल्स पार्टी और PMLN की वजह से ये मुश्किल टाइम आया जो आना था।